अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं होटल जैसी मटन स्टिक की रेसिपी। ये मटन स्टिक बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनते हैं और इसे बनाना बेहद ही आसान है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो चलिए इस मज़ेदार से मटन स्टिक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे मटन लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश करके रख लिए हैं। 2 घंटे पहले ही हम इसके ऊपर कच्ची पपई का पेस्ट लगा के रख लिए थे, तो हम ये वाले स्पून से 1 चम्मच कच्ची पपई का पेस्ट लगाए हैं। तो यह हमारा पपई का गोश्त रेडी है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच है बेसन। और 1/2 स्पून है भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच लिए भुना हुआ धनिया पाउडर और 1/2 स्पून है होममेड फ्रेश गरम मसाला, 1 चम्मच लिए है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लिए है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और ये सादा नमक है, थोड़ा सा रेड फूड कलर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। वैसे रेड फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे हाथों से मिक्स कर दिए हैं ताकि इसके ऊपर मसाला अच्छे से लग जाए। गोश्त के ऊपर मसाला अच्छे से लग चुका है, तो चलिए इसकी स्टिक बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसी बड़ी सी स्टिक लिए हैं और उसके अंदर इसी कैप्सिकम डाल रहे हैं और 1 गोश्त का पीस ऐड करेंगे। आपको स्टिक का डेकोरेशन कैसा अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 स्टिक बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह हम तमाम स्टिक बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टिक बनके तैयार हो चुके हैं। इसको बनाने के साथ साथ हम बाजू ही में ऑयल को 5 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको हम ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो बस 1 स्टिक लेंगे और इसके अंदर रख देंगे। आपके पैन में जितने स्टिक आ सकते हैं आप उसके हिसाब से इसमें रख सकते हैं, हम बस 2 ही रख दिए हैं। आपको इसका फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसकी जो साइड है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी लग रही है। इसको हम ऐसे पलट देंगे। इसकी दूसरी साइड को भी हम 5 मिनट तक ऐसे ही रख देते हैं। और आप 1 चमचे की मदद से इसके ऊपर ऐसे ऑयल डालते रहें ताकि ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए। तो गाइस ये देखिए दोनों तरफ से ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस कुछ ही देर में हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारे और 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसको हम निकाल देते हैं। अगर इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। और फिर इसी तरह करके हम और 2 स्टिक को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तैयार है बिल्कुल होटल जैसे मटन स्टिक। इसकी जो महक है ना बहुत ही लाजवाब आ रही है और खाने में इंतहाई जायकेदार बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो बस आप इसे पराठों के साथ खाएं या फिर इसे टी टाइम इंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। आपको हमारी इस मटन स्टिक की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल शाहदास कुकिंग पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।